मिस इंडिया में क्या जवाब दूंगा मैं? नो नो प्रॉब्लम मैम। हाय कैसे? मैं ठीक हूँ यार। फेमिना मिस इंडिया यार, उनके लिए जितना कहे उतना ही कम है। आई फील वेरी कॉन्शियस क्योंकि वहाँ पर इतने इतने अच्छे आंसर्स देती है मिस इंडिया, और मेरा आंसर सुन के ऐसा ना लगे कि ये कौन आ गया। बट यू नो इट्स ग्रेट दैट मिस इंडिया हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स ऑफ द कंट्री एंड यू नो ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लेट। यू नो वी हैव हैड सो मेनी मिस यूनिवर्सेज एंड मिस वर्ल्ड एंड हु हैव प्रूवन देमसेल्व्स टू बी ग्रेट एट ऑल द एक्सटेंट, वेदर टेक इट ऐश्वर्या राय और टेक इट यू नो प्रियंका चोपड़ा और नाउ मानुषी छिल्लर। सो वी आर ऑल प्राउड of Miss India most importantly, and the empowerment that it gives to the dream of any girl in India is outstanding. Once again, I am very 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 happy that Miss India has been going to all the smaller places and boosting the confidence of the young girls and taking them far ahead in life. So yeah, haan ji जी, अगर आप मिस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो तो मिस इंडिया का कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिर्फ मॉडलिंग के प्रति सीमित नहीं है। मिस इंडिया जो है वो काफ़ी सारी जगहों पर उनका जो पहलूज है, बहुत सारे इतने सारे पहलू है कि जहाँ पर एक मॉडलिंग के लिए कहना बहुत जायज़ नहीं होगा। बेसिक क्राइटेरिया जो होता है कि हाइट का और उम्र का, वो रखते हैं यहाँ पर। बट अदरवाइज देखने जाए तो मिस इंडिया में एक हर एक वो क्वालिटी होनी चाहिए जो हम एक आइडियल वूमन में ढूंढते हैं। कंपटीशन तो बढ़ते ही जाएगा। देखिए, कंपटीशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा, कंपटीशन बढ़ते ही जाना है। और ये जो कंपटीशन है वो जो टैलेंट का स्तर है वो भी काफ़ी ऊपर ला रहा है। अब सिर्फ अच्छे दिखने से या हाइट और बॉडी अच्छे होने से काम नहीं बनता, आपको काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी होना पड़ता है और काफ़ी टैलेंटेड भी होना पड़ता है। रेस 3 का ट्रेलर नहीं आया, रेस 3 फिल्म आ रही है हमारी फ्राइडे, और संजू का ट्रेलर की तो क्या बात करें। एक ऐसी फिल्म है जिसका हिस्सा हर एक अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री का होना चाहेगा। तो ऑल द बेस्ट टू इनफैक्ट माय ब्यूटीफुल लवली रेस 3 टीम एंड टू द टैलेंटेड टीम ऑफ संजू एज वेल।